हिमाचल प्रदेश सरकार का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश किए गए सरप्लस बजट पर कैग ने अपनी मोहर लगाई है और दिल्ली में मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद सरकार कर्ज मुक्त है। ये बात आपके राज्य प्रवक्ता पंकज पंडित ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार लगातार मुनाफे में है और केजरीवाल सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रखा है। उन्होंने कहा कि जनता को भी फ्री सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जिसका बजट फायदे में चल रहा है। देखिए, आज हमारा जो मुद्दा है वो है कर्ज। एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार है जो लगातार कर्जा लिए जा रही है 65,000 करोड़। एक तरफ हमारा केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है दिल्ली सरकार, जो सरकार बिना कर्ज के सरप्लस है और इस पर मोहर लगाई है कैग ने। केंद्र की सबसे विश्वसनीय एजेंसी कैग ने हमारे 2020-21 के बजट पे मोहर लगाते हुए कहा है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये सरप्लस बजट की सरकार। हालांकि दिल्ली में हमने सभी मूलभूत सुविधाएं, जितनी भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम मुफ्त दे रहे हैं। हम लोग बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग पानी मुफ्त दे रहे हैं, हम लोग महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दे रहे हैं। इतना कुछ मुफ्त देने के बावजूद आज तक दिल्ली सरकार पर